देवेंद्र यादवेंदु का लालू रावड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में बिना रोक टोक एंट्री का क्या रहस्य है? ये तो बताना चाहिए। क्या सिकंदर रांची जेल में लालू जी के सेवादार थे या नहीं, ये स्पष्ट करें। हाँ कि माता जी के शासन काल में भी बीपीएससी के 2 चेयरमैन रामाशीष यादव जी एवं जहां आरा जी के घर में कॉपी लिखवाया जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। नीट पेपर लीक मामलों को लेकर बिहार में लगातार सियासत जारी है। एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो उनका पीएस का नाम प्रीतम का नाम सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री को हम फ़ोन कर देते हैं, प्रीतम को बुलाकर जांच करवा ले। तो दूसरी तरफ अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर भी खूब बरस रहे हैं। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए कि सिकंदर और प्रीतम अनुराग से उनका क्या संबंध है, उनके परिवार का क्या संबंध है, क्या सिकंदर तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव के सेवादार रांची जेल में नहीं था, सिकंदर और अनुराग प्रीतम तेजस्वी यादव के घर में कैसे बिना रोक टोक के चले जाता है। तेजस्वी यादव लगातार ये बयान दे रहे थे कि फर्जीवाड़ा हुआ है, उसमें सरकार का पूरी तरह से संलिप्तता है। तो अब बीजेपी के तरफ से बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पर खूब बरस रहे हैं। क्या कुछ कहना है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। लगता है आपको कि कार्रवाई में देरी हो रही है, जब ईओयू के पास सारी जानकारियां हैं तो नोटिस भेजना, सीधे ईओयू जाकर के पूछताछ क्यों नहीं कर रही है, लगता है कि कुछ दबाव है, क्या कहें सर? देखिए, जो प्रक्रिया है जांच की, हमने उस दिन भी कहा कि मेरे पास जो जानकारी मिला और हमारे विभाग से संबंधित जो विषय था हमने लोगों को बताया, लेकिन राजद के विद्वान लोगों ने जो प्रश्न उठाया, राजद में कुछ विद्वान लोग हैं जो पद के लिए पैर भी पकड़ते हैं, सम्मान के लिए स्वाभिमान भी छोड़ते हैं और हमारे बिहारी संस्कृति के विपरीत जाकर सामाजिक समरसता की बात करने के बजाय उन्माद पैदा करने का भाव बनाते हैं। उन लोगों के द्वारा जो प्रश्न किया गया, तो मैं अब जानना चाहता हूं कि ये जवाब देनी चाहिए। 4 दिन बीत चुका, मौन क्यों है, बताएं? नहीं संबंध है तो कहें कि मेरा संबंध नहीं है, प्रीतम मेरा पीएस नहीं है, सिकंदर मेरे घर में आता जाता नहीं था, सिकंदर लालू जी के सेवादार नहीं था, सिकंदर रांची से ठेकेदार आता है जल संसाधन में और वहां से नगर विकास में, जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, उस विभाग के मंत्री थे, तो 3-3 जगह का प्रभार कैसे मिल जाता है, सिकंदर का प्रभाव पूरे विभाग पर कैसे छा जाता है, ये तो बताना पड़ेगा ना। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कब तक करेंगे? और घरियाली आंसू बहाने का खेल बंद करिए, अब जजमेंट और न्याय का वक्त है। स्पष्ट करिए, ये जो सफाई देते हैं कि हम रहते हैं तो गड़बड़ नहीं होता है, अरे हम ही तो नेता प्रतिपक्ष थे, सिंघल का मामला, सिपाही भर्ती का मामला उठा था, शुरू में ये लोग इनकार करते थे, बाद में सिंघल को बर्खास्त करते हैं, क्या खेल हुआ था? तो जवाब इनको देना चाहिए कि सिकंदर से प्रीतम से इनका संबंध क्या है और इतने सारे पद पर प्रभार देने का किसने इस खेल में सम्मिलित है। नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बताएं कि आपने नगर विकास के मंत्री के नाते सिकंदर को लाने में क्या भूमिका निभाई थी, ये तो जवाब देना पड़ेगा। इकाई द्वारा तेजस्वी जी के आप सचिव प्रीतम कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब तेजस्वी जी इस पर स्पष्ट करें कि मास्टरमाइंड निलंबित जेई सिकंदर यादवेंदु और प्रीतम का पूरा कनेक्शन क्या है, आपसे क्या संबंध है,
आपके परिवारों से क्या संबंध है, ये तो जवाब देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। सिकंदर यादवेंदु का लालू रावड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में बिना रोक टोक एंट्री का क्या रहस्य है, ये तो बताना चाहिए। अनुराग सिकंदर, प्रीतम और तेजस्वी जी के संबंध को स्पष्ट करना चाहिए, कांग्रेस को, लोगों को बताना चाहिए। आप सचिव प्रीतम जो सिकंदर यादवेंदु के संबंध की जानकारी तेजस्वी जी को पहले से थी, क्या सिकंदर रांची जेल में लालू जी के सेवादार थे या नहीं, ये स्पष्ट करें, उनको बताना पड़ेगा, लोग जानना चाहता है। तेजस्वी जी की जिम्मेवारी लाखों छात्रों के हित में जांच टीम को मदद करने का, सहयोग करने का है, क्योंकि संवैधानिक पद पर ये बैठे हैं और इनको इस जानकारी था या नहीं ये स्पष्ट करें। पथ निर्माण विभाग के NHIB में सिकंदर यादवेंद्र के लिए प्रीतम कमरा बुक कराया था या नहीं, ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं। बात को घुमाने का प्रयास कतई नहीं करें, बरगलाने का खेल न खेलें। मैं कहना चाहूँगा कि आज नियुक्ति घोटाला के ये तो अनुभवी थे ही, और इनके पिताजी माताजी के शासन काल में भी BPSC के 2 चेयरमैन रामाशीष यादव जी एवं जहां आरा जी के घर में कॉपी लिखवाया जाता था, जिसके चक्कर में वो जेल में गए थे। ये राजद के शासन काल में ये खेल होता था और इस तरह के कारनामा के लिए विख्यात थे। पूरा लोग इनके पास, अनुभवी टीम है जो पेपर लीक का पहले से खेल खेला जाता था। कांग्रेस भी इस सरकार में सम्मिलित थी, कांग्रेस को नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, अपने सहयोगी राजद के बारे में स्पष्ट करना चाहिए, मौन क्यों है ये बताना चाहिए उनको।